Hello friends, today I am coming with one of my favorite story. It is specially dedicated to my ma'am, my motivator, my ideal, my guideline and my diary. I can share each and everything with Miss Pinawat. Title of my story is A Walk with My Teacher. Okay, tell me, what do you mean by a walk? Okay, according to me, walk is so much more meaningful. It is not just a physical exercise. It is also about happiness of life. Walk एक तरीका है स्ट्रेस को अवॉइड करने का. वॉक के दौरान आप अपने मन की बात किसी से भी इजीली शेयर कर सकते हैं. आई एम लकी टू हैव अ टीचर लाइक मिस बेनावत. शी इज इंस्पिरेशन फॉर मी. दिस रिलेशन इज सो प्योर एंड अनस्पीकेबल. वह मेरी हर एक बात को बिना बोले समझ लेती है. दिस थिंग्स मेक अ स्ट्रांग बॉन्ड बिटवीन अस. Okay friends, I want to share an instance of us. एक दिन मैं और मेरी टीचर लॉन्ग वॉक पे गए और बहुत सी बातें शेयर करी. मैंने उनकी लाइफ की स्टोरी जानी, वह कैसे स्ट्रॉन्ग बनी उन्होंने उस दिन मुझे बताया. कॉफ़ी पीते टाइम उन्होंने मुझे समझाया कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी के टुवर्ड्स, और लाइफ में आगे बढ़ने के कुछ टिप्स दिए जो मैं आज आप सबको बताना चाहूँगी. कभी भी अपना कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं करना चाहिए. इफ़ यू हैव लेस कॉन्फिडेंट सो डू मिरर प्रैक्टिस, इंटरेक्ट विद मोर पीपल. अपने इमोशंस को हर किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहिए और अपने सभी सीक्रेट्स किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बताने चाहिए. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने गोल पे फोकस करना चाहिए. अगर आप कहीं अनसक्सेसफुल भी होते हैं तो घबराओ मत, आप उठो वापस और फिर से ट्राई करो. She is doing such a lot of good work in her life. जैसे कि वह स्कूल में फ्री सेमिनार्स देते हैं, एजुकेशन बेस पे वह बहुत से NGO में जाते हैं, नीडी पीपल्स की हेल्प करते हैं, उन्हें क्लोथ्स और फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और तो और वह अपना इम्पॉर्टेंट टाइम भी उन लोगों को देते हैं. जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर किसी के बस का नहीं है दूसरों को टाइम देना, बट वह अपना टाइम देते हैं. आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दिस थिंग. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हर लाइफ और मैं बहुत खुश हूँ उन्हें अपनी लाइफ में पाकर. उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने अपनी लाइफ में. थैंक्स अ लॉट मैम फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज. आई लव यू.